साहब डर रही हैं मुझसे, पता नहीं क्या वजह, क्या रीज़न है इनकी। लव बर्ड्स में माशाल्लाह ये मेरे लव बर्ड्स का पेयर है, ठीक हो गया बेबी का, और ये चुटकी बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक ठाक हो दोस्तों? आज सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सर्दी जाते जाते एक दफ़ा दोबारा फिर आ गई दोस्तों। आज मौसम तो ठीक है लेकिन खुश्क ठंड है, जिसकी वजह से आज मैंने अपने बर्ड्स का कपड़ा नहीं उतारा, लेकिन बर्ड्स फिर भी हैप्पी हैप्पी हैं। देखते हैं जी बर्ड्स की क्या सूरत हाल है इनके, मैंने जुम्मे अंदर जाते देखें दोस्तों, सूरज के आगे काला घटा बादल आए हुए, मौसम देखें किस तरह हुआ खड़ा है। इस साइड पर बिल्कुल साफ है और इस साइड पर काले स्याह बादल बने हुए हैं, और हमारे मिनी जूम के थोड़े से शापर ऊपर गए हैं, बाकी क्लीन वगैरह लगा दिया है। और अब जाते हैं अंदर, देख लेते हैं कोई बर्ड्स वगैरह बाहर तो नहीं निकला हुआ। नहीं निकला हुआ दोस्तों, अब अंदर जाते हैं हम, और अंदर थोड़ा अंधेरा है क्योंकि अभी लाइट तक नहीं जलाई, क्योंकि मौसम ठीक था मैंने कहा लाइट ना जलाऊँ, लेकिन अब अंधेरा हुआ खड़ा है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, इनके लिए लाइट जलानी पड़ेगी। चले इनको फीड वगैरह देकर फिर लाइट जला लेता हूँ। नाव में बजीस, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो दोस्तों? मेरे बजीस का जो छोटे बेबी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। ये देखें ये बिलू वाला बैठा हुआ है, और ये मैं खिड़की जो है ना बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर बाहर फ्लाइंग कर जाते हैं और मुझे इन्हें पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये मेरा दोस्तों टेम पीस था, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने दो तीन दिन इनसे उठाया नहीं है। नहीं अभी नहीं आता ये दोस्तों, बहुत ज़्यादा चलाक हो गया, क्योंकि अब इसके पर आ गया ना, तो फिर इसलिए इसे पर ही लग गए। फिंचेस देखें, अभी तक एग वगैरह भी नहीं दिए इन्होंने, और मस्त मस्त बैठे रहते हैं दोस्तों। फिंचेस भी मैं फॉर सेल कर रहा हूँ, मैं ना नए नए बर्ड्स और लेके आ रहा हूँ, जो बोलने वाले हों, टॉकिंग हों, रापर रिंग नेक, इस तरह के बेबी लेने वाला हूँ और बर्ड लेने वाला हूँ जो कि मिनी जूम में ज़बरदस्त किस्म का माहौल बन जाए। ये फिंचेस जो है ना, आज से मैं बस मैंने कह रखा है भाई को, जैसा ही भाई आएगा एक दो दिन में इनको ले लेगा अपने पास दोस्तों। ये मैंने शापर लगाया हुआ है, इसमें ना मेथी वगैरह है और अमरूद है मेरे रापरट के लिए, और मेथी वगैरह है मेरे बजीस के लिए। तो आज ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे मेथी और अमरूद वगैरह, ये मेरे खाएगा टोटो टोटो टोटो। देखिए दोस्तों, मैंने अपने बजीस के ना कानूनी में देखिए मेथी वगैरह पालक वगैरह डाल दिया है, और फीड वगैरह फुल ज़बरदस्त करके डाल दिया है। देखिए हम किसी तरह प्यार से शौक से खाएँगे ये, देखें और इनकी फेवरेट डिश है दोस्तों, देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सब आ रहे हैं। चलो भाई खा पी लो, तुम्हारा नाश्ते का टाइम हो गया, सब बाहर आ जाओ, रानी तुम भी आ जाओ। इनकी खिड़की वगैरह लगा देते हैं, ये ना सारा दिन फिर फ्लाइंग करके उड़ते रहे हैं, और हम जो रात को आए देखें तो फिर कभी किधर है कोई किधर है, फिर कभी किधर, ऐसे ही हो जाते हैं इनके साथ दोस्तों। मैं लवबर्ड्स को और टोटो को फीड वगैरह डाल के फिर आपसे मिलते हैं। पहले दोस्तों हमने अपने सब बर्ड्स को फीड वगैरह डाल दिया, और देखें बजीस किस तरह शौक से खा रहे हैं पालक और बाजरा वगैरह, किसी शौक से खा रहे हैं देखें माशाल्लाह से। और फिंचेस भी अभी आएंगी तब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अब डर रही हैं मुझसे, पता नहीं क्या वजह, क्या रीज़न है इनकी। लव बर्ड्स में माशाल्लाह ये मेरे लव बर्ड्स का पेयर है, ठीक हो गया बेबी का, और ये चुटकी बैठी हुई है। देखते हैं जी इनका क्या बनता है, इनका नया मेहमान लेके आते हैं या तो फिर इनको फॉर सेल करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना, ठीक हो गया लव बर्ड, तुम भी एक से बेबी दे दो, तुम भी दे दो दोस्तों। मैंने अभी तक एक डेढ़ हफ्ता हो गया है इनका बॉक्स चेक नहीं किया, रिंग नेक टोटो वगैरह का, रा पैरेट का। तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, क्या मैं इनका चेक कर सकता हूँ, क्या चेक करने से डर जाएंगे नहीं डरेंगे, या ब्रीड करेंगे नहीं करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, फिर मैं चेक करूँगा। माशाल्लाह से टोटो तो मेरा बाहर निकलता है, लेकिन जो टोटो की फ़ीमेल है वो बहुत ज़्यादा कम निकलती है, तो जो है ना इसलिए मैं नहीं देख पा रहा। और कमेंट बॉक्स में यही बताना कि इनका क्या नाम रखूँ मैं। तुम सब खा पी लो, हम जा रहे हैं बाहर, तुम सब खा पी लो, मेरे माशाल्लाह से बर्ड सब खा पी रहे हैं दोस्तों। ये देखें टी उठाते हैं और बर्ड्स को बाय बाय टाटा करते हैं दोस्तों। अब माशाल्लाह मेरे मिनी जूम में हल्की हल्की धूप आई हुई है, धूप जैसे मेरे बर्ड्स की मिनी जूम में अंदर रोशनी ही रोशनी है। तो जैसे ही मैंने बाहर आके देखा तो धूप आई हुई है, इसका मतलब कि मौसम खुलेगा और धूप भी निकलेगी, तो खैर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल वतन बजायत को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल की वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और आपने दुआ करनी है कि ये जो मेरा मिनी जूम है इसको बड़ा करके मैं अपनी पूरी छत के ऊपर ये बर्ड्स ही बर्ड्स रखूँगा, सिर्फ आप लोग मेरी सपोर्ट करते रहें, बाकी लव यू हो गया।